देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। मैं आपके साथ शिखा सैनी एक नजर अब तक की खास खबर पर। भारतीय किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश सचिव से मुख्य वार्ता में बताया कि सरकार व पहले सरकारों ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ कर्जा माफी के लिए किसानों को धोखा ही धोखा मिला है। किसानों को कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। गन्ना मिल चलाने के नाम पर वह धोखा दिया गया है और सरकारी जमीन को भी हड़पा जा रहा है। किसी ने भी कभी किसान की ओर नहीं देखा। किसान भूखा हो जाता है और उन्होंने कहा है कि आने वाले 2019 के चुनाव में हम सभी के साथ मिलकर इस गुंडागर्दी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पवन सिंह यादव ने कहा है कि जय जवान जय किसान और किसान एकता जिंदाबाद, और उनकी ओर से किसानों को बस यही संदेश दिया गया है कि 2019 में सभी किसान एजुकेट होकर भ्रष्टाचारियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। किसानों को धोखा ही दिया गया है। रिपोर्ट अशोक शर्मा। तो इन्होंने जो बजट था पूरे ग्रामीण बजट के नाम से दिया, जो 87,763 करोड़ था, उसमें से मनरेगा में मिलेगा स्वच्छता अभियान में जाने के बाद मात्र 5,000 करोड़ जो है वो कृषि बजट में था, जिससे कि कृषि बने। आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज।